खिलाड़ी के ऊपर से खेल दिया, नतीजा आपके सामने है, 4 बहुमूल्य रन जुड़ गए खाते में और टीम पहुंची बिना नुकसान के 6 रन पर। गर्मा गया है एक तो धूप से और दूसरे क्रिकेट से। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, तेजी से आई गेंद जहां चाहते थे वहां नहीं गई। रन, एक अहम मैच है दोनों टीम के लिहाज से। अगर देखा जाए तो टेबल पूरा खुल गया है, प्रश्न चिन्ह है सभी टीमों पर, कौन सी टीम जा रही है सेमीफाइनल में। एक टीम मुझे सेफ दिखाई दे रही है, वो कलकत्ता की टीम है, लगभग एक पैर अंदर और एक पैर बाहर है। इस बीच प्रयास देरी से हुआ है फील्डर द्वारा, दूर छोर से लग रहा था कि गेंद फील्डर तक जाएगी, प्रयास देरी हो गई। इस बीच चौका आ गया, बल्लेबाज ने खूबसूरत स्ट्रोक बटोरा, स्कोर जा पहुंचा बिना नुकसान के 11 रन पर। अरे एक लास्ट बरस एक लड़का था, भैया का लड़का, वो नहीं। लेग साइड में खेलना चाहते थे, फ्लिक कर दिया गेंद फील्डर, वहां पर मौजूद जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन बटोर लिया, स्कोर जा पहुंचा बिना नुकसान के 12। फुल टॉस, पॉइंट छोर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे फील्डर तक गई, जब तक थ्रो आता एक रन बटोर लिया बल्लेबाजों ने, स्कोर जा पहुंचा 13। एक अच्छा ओवर बल्लेबाज के टीम के अगर लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि 13 के प्रति अगर पूरे ओवर में रन बनते हैं तो 60 क्रॉस कर जाएगी, जो कि अब तक हमने देखा है 60 दे विल टेक। आखिरी गेंद, फुल टॉस गेंद और एक ऑड पोजीशन पर फील्डिंग बनाई थी, आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, ये पहली बार मैं देख रहा हूं क्रिकेट में लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों थे, और जोरदार प्रयास किया था वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, बाल बाल बचे वहां पर। इस बीच पहली ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद रन बने हैं 14, विकेट गिरे हैं 0, और हमारे बीच है परशुराम। फिर से एक बार मैं कहता हूं, बांध लीजिएगा अपनी कमर की पेटी, आज का दिन लंबा उड़ान लगाना है। धन्यवाद शेखर। तो पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 14। ओवेस और अली की जोड़ी मैदान पर, और इस मैच के दो ऑफिशियल्स दिलीप और बसवराज। तो कल के दिन शाम के समय हमने देखा था काफी लो स्कोरिंग मैचेस हुए लेकिन डिफेंड भी हुए स्कोर्स, तो आज के दिन का ये पहला मैच, यानी कि मॉर्निंग सेशन में खेले जाएंगे लीग मैचेस, और लीग मैचेस समाप्त होते होते हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई की जाएंगी, और प्लेऑफ्स के मुकाबले खेले जाएंगे आफ्टरनून सेशन में उमर प्रीमियर लीग सीजन 4। काफी बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग किया है इस बार, YouTube पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है इस प्रतियोगिता का प्रिंस मूवीज के माध्यम से। बढ़िया ओवर घटाते हुए जहीर,
थोड़े से रन आपसे चूके, प्रयास जरूर कर रहे हैं ओवेस बड़े स्ट्रोक्स खेलने का। फिर से बढ़िया गति मिश्रण करते हुए इस बार पहली दो गेंदें अगर देखी जाए जहीर की तो थोड़ा पेस के साथ खेला था उन्होंने, लेकिन इस गेंद पर उंगलियां फेरी और बीट किया बल्लेबाज को। तो आज के दिन का अगला मैच जो खेला जाएगा राइजिंग रॉयल्स और सफा सुपर किंग्स के बीच, दोनों कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। इस मैच के पहले इनिंग्स के समाप्ति के बाद होगा टॉस और इस बीच विकेट गिरा है, पहला विकेट गिरता हुआ यूनाइटेड, माफ कीजिए सेवाघर टाइटंस का, यूनाइटेड सुपर जायंट्स की टीम फील्डिंग करती हुई कल आखिरी मैच काफी बुरी तरह से हारी थी यूनाइटेड सुपर जायंट्स। कोई रन खर्चने क्या इस बीच फुल टॉस गेंद और इस बीच बढ़िया कनेक्शन और गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। काफी शांत रखा था इस ओवर में बल्लेबाजों को, लेकिन आखिरी गेंद पर लॉली डॉली फुल टॉस और उसका फायदा उठाकर 6 रन बटोरते हुए बल्लेबाज 20 एक विकेट के नुकसान पर सेवाघर टाइम बॉल करार दी जाएगी अंपायर की ओर से, यानी कि मुफ्त की गेंद मिलेगी, फ्री हिट का मौका है बल्लेबाज के पास। इस बार बढ़िया लेंथ पर पिच कर बीट कराते हुए फ्री हिट की गेंद का खासा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। तो डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर होता हुआ 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 डीजे। अगले मैच के लिए जो होगा राइजिंग रॉयल्स और सफा सुपर किंग्स के बीच, दोनों कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। तो इनिंग्स का तीसरा ओवर लेकर यूनाइटेड सुपर जायंट्स की ओर से सत्यम गेंदबाजी के मोर्चे पर स्ट्राइक पर अभी भी अली एक एंड से डटकर बल्लेबाजी करते हुए, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिलहाल रिची आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, हालांकि नो बॉल करार दिया गया था उस गेंद पर। फ्री हिट की गेंद का खासा फायदा नहीं उठा, इस बार जोरदार अपील हुई है और आउट करार दिए गए। बसवराज मदार ने समय जरूर लिया लेकिन सही निर्णय आता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ सेवाघर टाइटंस को। विकेट झटका है कॉट बिहाइंड के रूप में, दमदार खिलाड़ी रिची फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, पूरा दारोमदार होगा अब स्कोर को आगे ले जाने का इनके कंधों पर। ये पटकी हुई गेंद अपील हुई है वहां पर, काफी एक्साइटेड दिखते हुए फील्डर्स, लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर की ओर से।
पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर लगभग विकेट हो सकता था, लेकिन फोर आर्म्स के ऊपर लगी गेंद, जिसके कारण अंपायर ने डिसीजन को बोल दिया नॉट आउट। फिर से पटकी हुई गेंद, इन गेंदों पर रन्स बटोरने चाहिए बल्लेबाजों को। लगातार ये दूसरी गेंद है जिन पर रन बटोरे जा सकते थे। नए हैं बल्लेबाज, लेकिन शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम, केवल 5 ओवर का मुकाबला, तो कोशिश करनी होगी हर एक गेंद पर रन्स बटोरे और दबाव बनाए गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि क्राउड को अपेक्षा होती है बड़े हिट्स देखने की। फिर से भटकी हुई गेंद, इस बार देखना होगा, कोई इशारा नहीं अंपायर की ओर से। वन फॉर द ओवर, वन बाउंसर फॉर द ओवर का इशारा आता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर दिलीप की ओर से। अब नए नियमों के अनुसार 2 बाउंसर फेंक सकते हैं गेंदबाज। ये पहला गेंद बल्ले पर लिया है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने। बढ़िया ओवर घटाते हुए दूसरा ओवर जहीर का काफी किफायती रहा, विकेट मिला, आखिरी गेंद पर छक्का जरूर जड़ा उन्होंने, लेकिन इस ओवर में भी बिल्कुल खामोश रखा है बल्लेबाजों को। फिलहाल रिची पहुंचे हैं स्ट्राइक पर, क्या ये बड़े हिट में तब्दील करेंगे अगली गेंद, ये तो वक्त बताएगा। अलोंग द कारपेट खेला है इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, अच्छी बात सेवागढ़ टाइटंस के लिए कि उमर ओवर में गेंद का सामना करेंगे रिची। अगर ये बल्लेबाज 6 गेंदे खेल गया, इनके पास क्षमता है बाउंड्रीज बटोरने की, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, सभी खिलाड़ी दायरे के अंदर यानी 30 यार्ड सर्कल के अंदर तैनात किए जाएंगे। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 23 फॉर द लॉस ऑफ 2, यानी दोनों ओपनर्स डगआउट में वापस। उमर ओवर प्रगति पर यह मुकाबला एक्साइटिंग होगा, जहीर वर्सेस रिची। पहली गेंद और गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन रीजन में। अगर हार्ड बॉल होती हो निकल जाती गेंद 4 रनों के लिए, लेकिन टप्पा खाने के बाद गति थोड़ी धीमी की होने के कारण फील्डर पहुंच गए गेंद पर। इस बीच ये रन डायरेक्ट हिट की अपील नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। तो 3 गेंदें हुई है उमर ओवर की, अब तक बने हैं 7 रन। थर्ड एम्पायर का डिसीजन पूछा गया रन आउट के लिए। बढ़िया व्यू है, कैमरा उस एंगल में मौजूद है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी थर्ड एम्पायर को निर्णय देने में। All right.
क्या हुआ? ये रन लेना मेरे हिसाब से काफी गलत साबित होता हुआ, क्योंकि ताकत है थी उनके पास, एक डॉट बॉल हो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता, और तीन गेंदे थी उनके पास, तीन गेंदे खेल लेते, दो बाउंड्री लगा देते, तो रनों पर एक्सेलरेटर दब जाता। लेकिन सिंगल लेने का प्रयास किया और रन आउट के रूप में पवेलियन वापस लौट चुके हैं रिची। इस बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी अपने आप को प्लेस करते हुए, मौका छूट गया है, जहीर थोड़े से नाखुश, आसान सा मौका था, लॉली डॉली कैच छूट गया है फील्डर के हाथों से। फिर से फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, कन्वर्ट किया जा सकता था, गैप में खेला जा सकता था, लेकिन बैट से उतना अच्छा संपर्क नहीं, डॉट गेंद के साथ सिंगल लिया है आखिरी गेंद पर, यानी चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, उमर ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर हुआ है 32 फॉर द लॉस ऑफ 3। आखिरी ओवर लेकर यूनाइटेड सुपर जायंट्स की ओर से साहिल गेंदबाजी के मोर्चे पर और बल्लेबाजी करने उतरे हैं। बल्लेबाज हैं अक्षय। पहले गेंद डॉट के साथ शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर की, स्कोर वही रुका हुआ 32 रन पर। फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर था, बल्ले से कोई संपर्क नहीं होता हुआ, पैरों पर लगी गेंद और लेग बाइस के रूप में एक रन जुड़ता हुआ स्कोरिंग में, तो सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 33 रन पर। एक दो बड़े हिट तलाशने होंगे अगर गेंदबाजों के लिए कुछ रन रखने हैं, क्योंकि सुबह का सत्र है, गेंद ट्रैवल जरूर करती है, बल्लेबाजी जिस तरह की होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं हुई सेवागर टाइटन की ओर से। सिर्फ फुल टॉस गेंद, एक और सिंगल आता हुआ इस ओवर में, 34 रन पर पहुंचा है स्कोर। लेग स्टंप पर यह गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा, बल्ले से लगकर गई या पैर पर लगकर गई है, लेग बाइस का इशारा आता हुआ बसवराज मदार की ओर से, यानी कि अब तक चार गेंदों में बने हैं सिंगल के रूप में 3 रन। इस बीच वाइड का इशारा, वही फर्स्ट बॉल डॉट, फिर से कैच छूटा है, तो आखिरी गेंद बची है पहले इनिंग्स की, उमर प्रीमियर लीग सीजन 4 का यह 9वां लीग मैच। फिर से हवा में उछाल कर खेला है, फिर से खिलाड़ी गेंद के नीचे, इस बार क्या पकड़ पाएंगे कैच, इस बार कोई गलती नहीं, क्रिकेट के बेसिक के तहत अपने आप को पोजीशन कर कैच पकड़ा और
विकेट के साथ सेवागर टाइटंस ने पारी को समाप्त किया है। 5 ओवर का खेल समाप्त, 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 36 रन्स बनाए हैं और इस मैच को जीतने के लिए यूनाइटेड सुपर जायंट्स को बनाने होंगे 30 गेंदों में 37 रन्स। और राइजिंग रॉयल्स कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं, जल्द आ जाएं, वरना टॉस ऑपोजिट टीम को दिया जाएगा। आ जाओ जल्दी। बिल्कुल आईपीएल फॉर्मेट की तरह हर एक चीज का ख्याल रखा है यासीन शिंगनगुट्टी ने। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप आज प्रदान किए जाएंगे, फिलहाल पर्पल कैप है, पर्पल कैप है आलोक के पास। आलोक जहां कहीं भी हो आ जाए, अपना कैप रिसीव करें। और ऑरेंज कैप है अभिषेक ऑफ राइजिंग रॉयल्स, आ जाएं पंडाल के पास, जल्द से जल्द कैप प्रदान किए जाएंगी पर्पल कैप और ऑरेंज कैप होल्डर्स। उससे पहले टॉस के लिए आ जाएं दोनों कैप्टन्स, राइजिंग रॉयल्स और सफा सुपर किंग्स। कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। तो टॉस होने जा रहा है अगले मैच का। जब तक टॉस हो जाए मैच शुरू हो चुका है। यूनाइटेड सुपर जायंट्स को इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे 37 रन्स और शुरुआत हुई है सिंगल के साथ। गेंदबाजी के मोर्चे पर सचिन, तो पहला रन आता हुआ यूनाइटेड सुपर जायंट्स के लिए सिंगल के रूप में। पावर प्ले का सत्र, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज की रेखा के बाहर। सचिन की अगली गेंद, इस बीच जगह बनाकर घुटना टेक शॉट खेला है फायर लेग रीजन में, गेंद जाएगी 1 बाउंस और 4 रन। और समीर ने अपने इरादे बुलंद करते हुए बढ़िया शॉट खेला है फाइन लेग रीजन में 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा इस चौके के साथ 5 रन पर। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, ये फुल टॉस गेंद, बल्ले से उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है इस बार।
गेंद गई सीधे फील्डर के पास, जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, यानी कि स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 6 रन पर और स्ट्राइक पर पहुंचे विनय। ये बड़ा शॉट, बड़ी ताकत झोंकी है इस गेंद में, गेंद निकल जाएगी वन बाउंस और 4 रन। ताकत है इन खिलाड़ियों के पास फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का खासा फायदा उठाते हुए। पिछली गेंद पर हमने देखा था बल्लेबाज को फाइन लेग रीजन में, जहां वैकेंट एरिया था वहां पर खेलकर 4 रन बटोरे। इस बीच मिड विकेट का रीजन खाली था, वहां पर खेलकर 4 रन बटोरे बल्लेबाज ने। और अगले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस जीता है राइजिंग रॉयल्स ने और पहले गेंदबाजी का फैसला। कल के दिन पहला मुकाबला खेली थी ये टीम और ये उनका आखिरी मुकाबला होगा। 2 में से 2 जीत दर्ज की है राइजिंग रॉयल्स ने। बढ़िया गेंद, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, कीपर तक कैरी नहीं हुई गेंद, प्रयास जरूर था उवेश का कैच करने का लेकिन उन तक कैरी नहीं हुई गेंद, फलस्वरूप डॉट गेंद के रूप में एक और गेंद करते हुए सचिन। फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, पीछा किया, बैट का अंदरूनी किनारा लगा फिर से और डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। तो पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर के बाद यूनाइटेड सुपर जायंट्स ने बनाए हैं 11 बिना कोई नुकसान के। क्वालिफाइंग सिनारियो अभी भी पॉइंट टेबल ओपन है सभी टीमों के लिए। 2 टीमों ने जो 2-2 मुकाबले जीते हैं, एक है राइजिंग रॉयल्स और दूसरी टीम है सर्वेश नाइट राइडर्स, जिन्होंने अपने 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं 4-4 अंकों पर। पहला क्वालिफायर मैच होगा ग्रुप ए के टॉप ऑफ द टेबल जो टीम होगी उनका, ग्रुप बी के टॉप ऑफ द टेबल जो टीम होगी उनके साथ। उसके बाद एलिमिनेटर होगा ग्रुप ए के सेकंड टीम और ग्रुप बी के सेकंड टीम के बीच। जगह बनाकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी ये गेंद, रिव्यू करना चाहते हैं विकेट कीपर वाइड गेंद के लिए। थर्ड एम्पायर इन प्ले नाउ, बल्लेबाज ने काफी कवर कर लिया था और उनके रीच में थी गेंद तो इसीलिए वाइड करार नहीं दी जाएगी। सही निर्णय आता हुआ अंपायर की ओर से, स्कोर वहीं रुका हुआ 11 रन पर। शुरुआत पहले ओवर में बेहतरीन जरूर हुई है लेकिन इस शुरुआत को इस बीच बैट का बाहरी किनारा और आउट होकर वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। बढ़िया कैचिंग का मुजहरा दिखाते हुए ओवेश,
बल्लेबाजी करने उतरे। नंबर तीन पर जहीर, दमदार वजनदार खिलाड़ी, फिलहाल कल के दिन बल्ले से कुछ खासा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन आज उनके पास मौका। अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो इस खिलाड़ी का खेलना बहुत जरूरी यूनाइटेड सुपर जायंट्स के लिए। इस बीच वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, 12 रन यानी जो स्कोर कार्ड रुका हुआ था अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ वाइड के रूप में सिंगल। फिर से कोई छिड़खानी करने की कोशिश नहीं की, रिव्यू आप गंवा चुके हैं। तो वे रिव्यू करना चाहते थे लेकिन रिव्यू समाप्त हो चुके हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं। एक और वाइड गेंद, थ्री डिलीवरीज टू कम। ये अलोंग द कारपेट खेला है जहीर ने और आसानी के साथ सिंगल लेकर अपना खाता खोलते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचा है 14 रन पर। अभी भी 23 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद, बढ़िया कनेक्शन हुआ है वहां पर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। अच्छा गेंद लगी है बोर्ड पे, तो कल के दिन कुछ इनाम घोषित किए थे यासीन शिंगन गुट्टी ने। भेज दिया स्क्वायर लेग रीजन में 6 रनों के लिए। ये बढ़िया सूझबूझ की क्रिकेट, पिछली गेंद पर छक्का जड़ा था और अगली गेंद पर गैप में ढकेलकर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 21 रन सर, और जीतने के लिए अब चाहिए, माफ कीजिए 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अभी भी 3 ओवर बचे हैं, 18 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 16 रन यानी के आसान सा लक्ष्य है इन बल्लेबाजों के लिए, लेकिन इस आसान लक्ष्य को आसान बनाना होगा। रन बॉल की रिक्वायरमेंट है, रन बॉल से कम की रिक्वायरमेंट है अगर देखा जाए। 18 गेंदे 16 रन, उमर ओवर अभी भी बाकी। इस बीच हवा में खड़ी हो गई है गेंद और आउट होकर वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज अभिषेक को, कोई आवश्यकता नहीं थी, गैप में ढकेला था पिछली गेंद पर, कुछ उसी तरह से खेलना चाहिए था, बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा पर पवेलियन वापस लौटते हुए अभिषेक। विनय से, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं थी, सिंगल्स लेते तो आसानी के साथ टारगेट के करीब पहुंच सकते थे, बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। एक और विकेट गिरता हुआ यूनाइटेड सुपर जायंट्स का। नए बल्लेबाज और ये आउट करार दिए जाएंगे, चहलकर्मी कर आगे आए थे और स्टंप आउट के रूप में वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब जो है दबाव बनता जाएगा यूनाइटेड सुपर जायंट्स के ऊपर। वाइड का इशारा है अंपायर की ओर से, यानी कि अतिरिक्त के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरिंग में, लेकिन विकेट जरूर गंवाई है टीम ने। स्कोर हुआ है 22।
स्विचिट का प्रयास, संपर्क उतना अच्छा नहीं, फील्डर मौजूद जरूर थे, बावजूद उसके सिंगल लेने में कामयाबी प्राप्त करते हुए बल्लेबाज ने सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 23 रन्स पर, यानी जीतने के लिए अब चाहिए 14 रन्स, 14 रनों की जरूरत। बिग मैन बिग शो अभी भी क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए, जहीर बढ़िया क्रिकेट में कहूंगा, जानते हैं बड़े स्ट्रोक्स की दरकार नहीं है, सिंगल्स के साथ आसानी से टारगेट को चेस किया जा सकता है, कोई जोखम उठाने की कोशिश नहीं की, गैप में ढकेला, सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट की और अपने साथीदार को मौका दिया अगली गेंद खेलने का। जहीर ने 24 रन्स, इस बार हाथ खोलकर खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड करार दी गई दिलीप के द्वारा, विकेटकीपर लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से इस डिसीजन को रिवोक करें, लेकिन भाई आपके पास कोई रिव्यू नहीं बचा है। पच्चीस रन पर पहुंचा है स्कोर, यानी कि 12 रनों की जरूरत, अभी भी 2 ओवर बाकी और उसमें से 1 ओवर उमर ओवर जिसमें सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर तैनात होंगे। इस बीच बैट का बाहरी किनारा लगा है, थर्ड मैन के खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ सिंगल लेते हुए बल्लेबाज, और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 26 रन पर, 11 रन और चाहिए। बढ़िया क्रिकेट, रन आउट का मौका है यहां पर, पता नहीं नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी किसको देख रहे थे, जहीर बिल्कुल तैयार नहीं थे रन के लिए, रन के लिए दौड़े, तालमेल में गड़बड़ी और रन आउट के रूप में 1 विकेट और गिरता हुआ। अगले मैच के अपडेट्स सुनाने के लिए स्पेशली फ्रॉम कराची सुलेमान शेख अगले अपडेट्स देंगे अगले मैच के। बढ़िया क्रिकेट, जहीर जानते हैं उनका क्रीज पर रहना, डायरेक्ट हिट हुई है और क्रीज पर पहुंच गए, बाल बाल बच गए वहां पर जहीर, और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 27 और जीतने के लिए 12 गेंदों में चाहिए केवल 10 रन और अगला ओवर होगा उमर ओवर। और गेंद लेकर तैयार लेफ्ट आर्म गेंदबाज, अगर यहां पर जहीर का विकेट लेने में कामयाब होती है सेवाघर टाइटंस की टीम तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है यह मुकाबला। बढ़िया शॉट लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, अब हर एक गेंद पर काउंटडाउन बिगिंस, 11 गेंदे 10 रनों की जरूरत, दबाव दिखता हुआ जहीर के ऊपर, इनफील्ड को केवल क्लियर करना है, गैप ढूंढने हैं और रन्स बटोरने हैं जहीर को। इस बीच बढ़िया कनेक्शन, मिड विकेट रीजन में गेंद को भेजा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए।
और गेंद को भेजा मिड विकेट रीजन में। अब चाहिए केवल चार रन। इससे बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, इस बार संपर्क नहीं होता हुआ। बल्ले से बैट का किनारा जरूर लगा था और किनारा लगकर उनके बॉडी के किसी हिस्से को लगी है, शायद प्रोटेक्शन नहीं लगाया उन्होंने। जो सेफ्टी गेयर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है खिलाड़ियों के लिए। तीन गेंदें हुई है, छह रन बने हैं अब तक। जीतने के लिए चार रनों की जरूरत, बचे हैं नौ गेंदे और उमर ओवर की तीन गेंदे। फिर से बढ़िया शॉट और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन रीजन में छह रनों के लिए। बढ़िया ढंग से मैच को जिताते हुए जहीर और यूनाइटेड सुपर जायंट्स के भी बनते हैं चार अंक तीन मुकाबलों में। मतीन जिन्होंने कैच लिया है उनको मिलेंगे ₹100 आशीफ सिंगन गुट्टी की ओर से। आसिफ सिंगन गुट्टी दे, आसिन सिंगन गुट्टी दे, फर्क नहीं पड़ता, ₹100 तो जाने हैं मतीन को। बढ़िया कैच पकड़ा मतीन। भाई राइजिंग रॉयल्स की टीम उतर जाए मैदान में। राइजिंग रॉयल्स जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग की सजावट करें। सभी को और दूसरा दिन, दूसरा मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइजिंग रॉयल और सफा सुपर किंग, ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेन्नई के लिए और राइजिंग रॉयल। दोनों मैच जीतकर आगे हैं।